नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार के इस एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार उनके अंदर जो फॉर्मूले उद्गत हुए और उन फॉर्मूलों का विश्लेषण करके उनको समझने के लिए सारी चीज़ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं पिछले कुछ एपिसोडों में। आइए उनको एक बार फिर सुन लेते हैं और फिर से एक बार उसको दोहरा के हमने जहाँ छोड़ा था, जब प्रज्ञान पुरुष ये चारों उंगलियों के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहे थे द वर्ल्ड फिनोमेना, और जब कह रहे थे कि ये आउटर है, ये इनर है, ये सेंट्रल है और ये ट्रांसेंडेंटल है, तो इस अवस्था में हम लोग डिस्कस करते करते समय अभाव के कारण हमें पिछला एपिसोड समाप्त करना पड़ा था। तो आइए उनको एक बार सुन लेते हैं और फिर हम वापस इसी चर्चा पे आ जाते हैं। प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर। इसी हमारे जीवन में इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान होता है वही ज्ञान ही है हमारी संबल, उसको लेके हम चलता है। रूप देखता है, नाम देखता है, शब्द सुनता है, स्पर्श लेता है, नाक से सेंट लेता है, जीभ से टेस्ट लेता है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही है हमारी लिमिटेशन, लेकिन इसको बाहर में कैसे जाएगा? बाहर में तो ये नहीं मिलेगा। रूप नाम जो फॉर्म एंड नेम बाहर में जो है आउटर नेचर में, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसको व्यवहार करता है कौन? हमारी इंद्रियों को कौन व्यवहार करता है? प्राण इंद्रियों को व्यवहार करता है मन। मन को कौन व्यवहार करता है? बुद्धि। बुद्धि को कौन व्यवहार करता है? समष्टि बुद्धि। दैट मीन्स इंडिविजुअल इंटेलेक्ट को यूनिवर्सल इंटेलेक्ट व्यवहार करता है, लेकिन यूनिवर्सल इंटेलेक्ट को कौन व्यवहार करता है? उसको पीछे में जो है कारण का कारण वही है असली कारण, उसकी कहता है आत्मा। ऐसे ही हमारे जीवन में इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान मिलता है वही है हमारा संबल, सहारा या संपत्ति। इसको लेकर हम चलते हैं, रूप देखते हैं, नाम देखते हैं, शब्द सुनते हैं, स्पर्श लेते हैं, नाक से सेंट लेते हैं और जीभ से टेस्ट लेते हैं। यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही है हमारी लिमिटेशन, लेकिन इसके बाहर कैसे जाएंगे? बाहर तो यह नहीं मिलेगा। रूप नाम फॉर्म एंड नेम बाहर में जो है आउटर नेचर में, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये उनका स्पीच का हाफ पोर्शन है और इसी पे आधारित हम रूप नाम भाव बोध के ऊपर बेस करके सारे फॉर्मूलास पे डिस्कस कर रहे थे। तो जब उन्होंने एक्सप्लेन किया था ये आउटर नेचर, इनर नेचर, सेंट्रल नेचर, ईश्वरीय जगत और ट्रांसेंडेंटल नेचर जो मेरा आत्मस्वरूप का जगत है, परमात्म स्वरूप का जगत है, उस स्वरूप के बारे में जब हम पहुंचे थे पिछली कड़ी में, तो वापस आते हैं उनके उस स्पीच पर जहां पे वो बता रहे हैं कि ये चारों स्टेजेस के बारे में, चारों स्टेट्स के बारे में। तो कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल स्टेट को दिखाकर कहते हैं, मैं यहां से प्योर कॉन्शियसनेस की अवस्था से तुम लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तुम लोगों को असुविधा इस कारण से हो रही है क्योंकि आइडिया, नेम एंड फॉर्म आके उस पर बाधा दे रहे हैं। अर्थात कहना ये चाह रहे हैं, फॉर्म, नेम एंड आइडिया, ये जो तीन स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस के साथ कुछ हद तक लोग परिचित होते हैं, इस स्टेज के साथ मैक्सिमम, इसके साथ थोड़ा कम और इसके साथ बहुत ही कम, लेकिन ये तीनों स्टेज आके बाधा दे रहे हैं जो बातें इस स्टेज में से निकल रही हैं, ट्रांसेंडेंटल स्टेट से जो बातें निकल रही हैं। अब देखिए समाधान दे रहे हैं, क्या कहते हैं आगे देखिए, सुनते हैं। यह सुनते सुनते ये तीनों स्टेजेस जो हैं वो धीरे धीरे फेड आउट हो जाएंगे और आके इसमें विलीन हो जाएंगे, तब केवल प्योर कॉन्शियसनेस ही रह जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है साइंस ऑफ वननेस, एकत्व का विज्ञान। इसके अंदर साइंस ऑफ ड्युअलिटी एंड मेनीनेस धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। ये एकत्व का विज्ञान जो ये साइंस ऑफ मेनीनेस एंड ड्युअलिटी है, अर्थात ये रूप के जगत, ये नाम का जगत या बोध के जगत, ये जो भाव का जगत है, इस तीनों जगत को
रिजेक्ट नहीं करता है, अपने ही अंदर विलीन कर लेता है, इसके अंदर आके विलीन हो जाते हैं। तो फॉर्म एंड नेम कनिष्ठिका में यहाँ पे ग्रॉस और सटल दोनों हैं, इनर नेम एंड आइडिया में यहाँ पे ग्रॉस सटल दोनों हैं, और मध्यमा सेंट्रल में आ करके यहाँ केवल आइडिया है, ग्रॉस और सटल नहीं है, सटलर है, केवल ईश्वरीय क्षेत्र है। इसी को प्रज्ञान, विज्ञान और ज्ञानाभास और ये जीव अज्ञान के रूप में, कनिष्ठिका के रूप में, इन चारों के रूप में इन्होंने व्याख्या की है। डिफरेंट एंगल से इन चीज़ों को मैं सबके सामने रख रहा हूँ ताकि इसको पकड़ने में, इसको समझने में तुम्हें तकलीफ ना हो। हरेक एक ही रिजल्ट पे ले जाएगा, लेकिन किसी भी एंगल से जाओ रिजल्ट एक ही पाओगे। फॉर्मूला कितने सुंदर तरीके से रिवील हुआ है, जो कोई एक फॉर्मूले को पकड़ के तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, मनोनिवेश करना पड़ेगा, इसको अपन बना लेना पड़ेगा। जब तुम इसे अपन बनाओगे, ये तो तुमको अपन बना के बैठा ही है, ये तो तुम्हारे अंदर पूर्ण रूप से तुम्हारा ही बन के बैठा है। तो अपन का धर्म ही है ऐसा, हर चीज़ को अपन कर लेता है। अब ये अपन धर्म का एक फॉर्मूला तुम लोगों के सामने आज मैंने रखा है। वो एक फॉर्मूला कह रहे हैं इस समस्त चीज़ को, देखिए, क्योंकि उनके अंदर ये एक ही उजागर होता है। हम लोगों को लगा होगा कि भिन्न भिन्न तरीके से दिया गया है, लेकिन उनके अंदर चूंकि एक ही उजागर होता है, वो इसको एक ही फॉर्मूला के रूप में देख रहे हैं। अब देखिए इसी बात को आगे चल के वो किस प्रकार से कहते हैं, मैं पढ़ता रहूँगा, अब इतनी व्याख्या पर नहीं जाएंगे, समय हम लोगों का बहुत शॉर्ट है इसकी वजह से। कहते हैं, हर एक जीवन आरंभ होता है, जात होता है अज्ञान, अविद्या एवं ससीम के बीच में, लिमिटेड के बीच में। इसी में ही जीवन का विकास होता है, प्रकाश होता है, जो कुछ भी ये परिदृश्यमान जगत, यहाँ पे आके हम इंद्रियों के द्वारा देखते हैं रूप और नाम। इस रूप और नाम के पश्चात में है भाव, इस भाव का संधान हम थोड़ा बहुत जानते हैं। दार्शनिक, विज्ञानी और धर्म विज्ञान के जो लोग हैं, विशेष विशेष महारथी हैं, उन लोगों को भाव का संधान काफ़ी हद तक मिल जाता है। लेकिन भावातीत की बात, भाव के पीछे जो बोध है उसकी बात, जहां भाव जात ही नहीं हुआ है, जहां पर नाम ही नहीं है, रूप भी नहीं है, उसका परिचय कौन देगा? आज तक मनुष्य समाज में जो कुछ भी चर्चा हुई है, अनुशीलन हुआ है या शोध हुए हैं, वह सारी चीज़ें, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो या ईस्टर्न वर्ल्ड हो, दोनों में अलग अलग हैं लेकिन लिमिटेड हैं, भिन्न भिन्न स्तर की बात। लेकिन इन सब का मूल क्या है, कहाँ है, कौन करता है साधना, कहाँ से आया ये सब, ये मनुष्य, ये सृष्टि, ये सिर्फ क्या एक्सीडेंट है? विज्ञानी लोगों ने एक समय कहा था कि क्रिएशन इज अ मेयर एक्सीडेंट। व्हाई? बिकॉज दे कुड नॉट नो द बैकग्राउंड ऑफ इट, ये पृष्ठभूमि में पहुंच नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कह दिया दैट ये सृष्टि एक एक्सीडेंट है। दे कुड नॉट रीच द कॉज ऑफ इट, द रियलिटी ऑफ इट। सृष्टि में हम कुछ वैचित्र देखते हैं, रूप नाम का विकास देखते हैं, वो उठता है, बहता है, डूबता है और खो जाता है। जिसके साथ जिसका संपर्क होता है कुछ दिन का, उस संपर्क को पकड़ के हम लोग संसार धर्म का पालन करते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, संसार धर्म का पूरा विज्ञान यहाँ पे उन्होंने विश्लेषण किया है। यह है माया का संसार, अर्थात मोह माया का संसार, जहाँ पे हम हर चीज़ को पृथक रूप से देखते हैं और उसके साथ कुछ दिनों तक हमारा भाव होता है, संबंध होता है, लेकिन ये भाव नकल भाव है, असली भाव नहीं है। असली भाव ईश्वरीय भाव, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे ईश्वर ही खुद जगत के रूप में प्रतिभात होते हैं, वहाँ पराया कोई नहीं होता है।
लेकिन हमारे यहाँ हम एक पराये के साथ संबंध करते हैं, चाहे वो माँ है, बाप है, बीबी है, बच्चे हैं, दोस्त है, कोई है, उसको पराया जान के संबंध करते हैं। अपन समझ के, मैं ही खुद हूँ, ये समझ के हमारा संबंध नहीं होता है। तो ये जो पराया भाव है, इसीलिए रोना धोना है। देखिए आगे क्या कहते हैं, इसलिए मनुष्य जब शरीर छोड़ के चला जाता है तो दूसरे मनुष्य रोते हैं, और ये रोना भी माया का रोना है, कुछ दिन का रोना है, उसके बाद भी ये सब समाप्त हो जाता है। आजकल तो भाड़े में रोने के लिए लोग मिलते हैं, वो आके 3-4 घंटा ऐसा रोके चले जाते हैं, ऐसे किस्म से अपना सर पीटते हैं, छाती पीटते हैं, जितने आते हैं लोग देखने के लिए वो कहते हैं हाय 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 हाय, पता नहीं कितना कष्ट है, कितनी तकलीफ है। देखिए मज़े की बात, एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी कैसे अंदर आता है, ये बात सच है। हम में से बहुतों ने ये चीज़ देखी होगी कि जिस घर में मातम है, कोई मौत हो गई है, तो भाड़े किराए पे लोग बुलाए गए हैं, और बुला के वो लोग अपना रोना धोना ऐसा कर रहे हैं जिसको देख के सचमुच में दिल दहल जाता है, एक किस्म से बहुत अंदर दर्द होने लगता है। ये है हमारा मनुष्य समाज। आगे कहते हैं, कहाँ से आया ये जीवन, कहाँ था, और कुछ दिन के बाद ये जीवन कहाँ चला गया, कहाँ चला जाएगा। प्राण की क्रिया जैसे ही बंद हो गई, तुरंत राम नाम सत्य है करके ले गए, या तो आग में सत्कार कर दिया, या पानी में बहा दिया, नहीं तो जमीन के नीचे गाड़ दिया, नहीं तो टावर ऑफ साइलेंस या छत पे छोड़ दिया, ताकि गिद्ध और शकुना के उस शरीर को खा जाएं, जिस शरीर को रूज लिपस्टिक लगा लगा के बहुत अच्छी तरह पाला पोसा था, और फिर उसके बाद जो हड्डियां बच जाती हैं उनको केमिकल वॉश करके बाजार में बिक्री किया जाता है। आजकल स्केलेटनों का भी बहुत, जो शरीर का ढांचा है हड्डियों का, स्केलेटनों की भी बहुत मूल्य है बाजार में। तो कहते हैं ये स्केलेटन से पाउडर वगैरह बनते हैं, दवाइयां बनती हैं, जिनमें मिक्स किया जाता है, हम अनजाने में उसका व्यवहार भी करते हैं। तो ये सब कुछ नोइंगली अननोइंगली हमारा हो रहा है, लेकिन इस जिज्ञासा का अंत किधर है? देखिए जगत की सांसारिक पूर्ण अवस्था की वर्णना करने के बाद वापस ले आए कहाँ पे, जो है कि इस जगत का अंत किधर है। कहते हैं कि ये मैं मेरा, मेरा मैं मेरा करके जीवन शुरू होता है, जब तक देह में प्राण है तब तक मैं मेरा चलता रहता है। लेकिन ये जो मेरा बोल के चल रहा है, इसमें है क्या? नंगे आए थे और जाते वक्त भी नंगे हैं, चिता में जब चढ़ा दिए जाते हैं तो भी नंगे ही हैं, और जल जाने के बाद एक मुट्ठी राख और कुछ ना, कुछ भी नहीं रह जाता है, केवल एक मुट्ठी राख। इसके बावजूद मनुष्य का दंभ, अहंकार, अभिमान कुछ भी नहीं कम होता है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि रात की गहरी नींद में ये मेरा कहाँ रह जाता है, और समाधि की बात तो पूछो ही ना, वो कठिन है इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूँ। एक के ऊपर एक, एक के ऊर्ध्व भी एक, आई इन आई, आई ऑफ आई, फ्रॉम आई, फॉर आई, बाय आई, विथ आई, टू आई, ऑन आई एंड बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड, ये मेरे आविष्कार है, यही मैंने अपने अंदर आविष्कृत किया है, ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए संसार धर्म, हमारा जो फैमिली धर्म है, इस धर्म से वो नावाकिफ है, ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से इस धर्म को जानते हैं, और इस धर्म के अंदर का जो विज्ञान है उसको उजागर कर देते हैं, ताकि सच्चाई जो है वो हमारे सामने सही तरीके से आए। किसी को गुमराह करने के लिए, किसी को बुरा कहने के लिए ये उजागर नहीं किया गया है कि ये जो शरीर है, इस शरीर का ऐसा बहुत बढ़िया तरीके से पोषण किया गया, और उस पोषण करने के बाद शरीर जब समाप्त हो गया तो एक मुट्ठी राख और कुछ नहीं, सच्चाई है। किसी को डाउन करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन इस बात को मुझे अपने जहन में बिठा के, जो असलियत है जिसका कभी नाश नहीं है, उसके साथ जब मेरा परिचय परिपूर्ण रूप से हो जाएगा तो फिर मुझे इसकी चिंता नहीं रहेगी, ये जो काया है या नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है।